नमस्कार व्यूअर्स, आपको स्वागत है मेरे एस्ट्रोलॉजिकल चैनल में। व्यूअर्स, आज मैं आपके लिए एक और इम्पॉर्टेंट वार्ता लेकर आया हूँ। आज का वार्ता है जोडैक साइन स्कॉर्पियो, वृश्चिक राशि वाले लोगों का फ्रेंड सर्कल कैसा होता है, सोशल सर्कल किस प्रकार का होता है और इंटेलेक्ट कैसा होता है। मित्रों, जैसे कि मैंने अपनी पहले वार्ता में बताया था, स्कॉर्पियो जोडैक का एक बहुत इम्पॉर्टेंट साइन है। इस साइन को मार्स प्लैनेट मंगल कंट्रोल करता है। इनके ऊपर देव गुरु बृहस्पति जुपिटर और न्यायकर्ता न्यायाधिपति सैटर्न शनि देवता का प्रभाव बहुत ज़्यादा रहता है। स्कॉर्पियो वृश्चिक राशि वाले लोग बहुत इंडिपेंडेंट पर्सन होते हैं, बहुत अच्छे एडमिनिस्ट्रेटर होते हैं और जीवन में बहुत बड़े पद के लिए ही इनका जन्म होता है। एग्रेशन और क्रांति लाना, रिवोल्यूशनरी एटीट्यूड के लोग होते हैं और बहुत अच्छे एडमिनिस्ट्रेटर, स्ट्रेटजी मेकर, स्ट्रेटजी मास्टर ये लोग होते हैं। मित्रों, आज जानते हैं कि प्राचीन एस्ट्रोलॉजिकल टेक्स्ट इनके फ्रेंड्स एंड सोशल रिलेशंस के बारे में क्या कहती है। मैं बता दूं मित्रों, स्कॉर्पियंस जो लोग होते हैं वे हमेशा टेक्स्ट कहती है भृगु संहिता, चिंतामणि चमत्कार, जातक परिजात कहती है, ये लोग इंडिपेंडेंट लाइफ जीना चाहते हैं लेकिन अपने फैमिली को पूरा कोऑपरेशन देते हैं। ये अपने फैमिली को रन करते हैं एज ए हेड ऑफ द फैमिली, फिर भी ये लोग अपनी इंडिपेंडेंस को नहीं खोना चाहते। इनके बहुत फ्रेंड्स होते हैं, इनके बारे में ये कहा जाता है अगर एक फ्रेंड को मिस करते हैं बहुत जल्दी चार और गेन कर लेते हैं। इनके बारे में भृगु संहिता, चिंतामणि चमत्कार, जातक परिजात और भी एस्ट्रोलॉजिकल टेक्स्ट कहती है कि दे आर ए गुड क्रिटिक, मतलब दे कीप ऑन अटैकिंग द शॉर्टकमिंग्स ऑफ देयर नियर वंस एंड देयरफॉर दे कांट फेस देम फॉर ए लॉन्ग टाइम। ये लोग अपने पास बड़े पोलाइटली लोगों को अट्रैक्ट कर लेते हैं और बाद में भृगु संहिता कहती है कि ये लोग फ्रेंड्स में गलतियां निकालने लगते हैं फिर बाद में छोड़ देते हैं। फ्रेंड्स बनाते हैं, बाद में गलतियां निकालते हैं और फिर उन पर दबाव बनाने की कोशिश भी करते हैं ताकि वे आपका काम करें। एस्ट्रोलॉजिकल टेक्स्ट ये भी कहते हैं कि स्कॉर्पियो वुमेन्स जो होती है वे लोग फैमिली में रहने के बजाय फैमिली से दूर रहना ज़्यादा पसंद करते हैं। चिंतामणि चमत्कार में ही कहा गया है कि स्कॉर्पियंस बेसिकली थोड़ा इंडिपेंडेंट लाइफ रहना चाहते हैं। मित्रों, अगर स्कॉर्पियंस के इंटेलेक्ट और स्टडीज़ के बारे में देखें तो प्राचीन एस्ट्रोलॉजिकल टेक्स्ट कहती है स्कॉर्पियंस हमेशा बहुत ज़्यादा नॉलेज गेन करते हैं, वे एजुकेशन बहुत इंटरेस्टेड होते हैं और एजुकेशन को इसलिए पाना चाहते हैं कि जीवन में बहुत हाई पोजीशन, गुड पोजीशन में पहुँचे। ये लोग टेक्निकल नॉलेज भी गेन करते हैं और मोस्ट डिफिकल्ट टास्क को हैंडल करने की कैपेबिलिटी स्कॉर्पियन में रिमार्केबल होती है। एस्ट्रोलॉजिकल टेक्स्ट चिंतामणि चमत्कार कहती है स्कॉर्पियंस बहुत ब्राइट होते हैं साइंस में और पॉलिटिक्स में, बहुत सिंसियर वर्कर होते हैं और अपने गोल के प्रति बहुत डेडिकेटेड होते हैं।
ऐसा कहा गया है टेक्स्ट के अंदर कि इनकी नॉलेज एनाटॉमी और साइकोलॉजी बहुत ब्रिलियंट होती है। यही रीज़न है कि बहुत ज़्यादा स्कॉर्पियंस आपको डॉक्टर दिखेंगे या बहुत ब्रिलियंट सर्जन्स स्कॉर्पियन में ही होते हैं। साइंस और टेक्नोलॉजी के विषय में स्कॉर्पियंस हमेशा कुछ न्यू डिस्कवरीज आविष्कार करते हुए दिखेंगे, क्योंकि ऐसा माना जाता है एस्ट्रोलॉजिकली कि इनकी नॉलेज होती है सीक्रेट अफेयर्स के बारे में, इनके पास गॉड गिफ्ट कैपेसिटी होती है इन्वेस्टिगेशन करने की। ये लोग एक बहुत कैपेबल अच्छा डिटेक्टिव भी बन सकते हैं। मित्रों, आशा करता हूँ आपको आज का वार्ता अच्छा लगा होगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। धन्यवाद, फिर मिलेंगे।